स्वागत है आपका मेरे किचन में यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे करौने का इंस्टेंट अचार बनाना सिखाने जा रही हूँ। इसे बना करके आप फ्रिज में रख करके 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में फटाफट बन जाता है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, तो कभी भी आप इसे अचार की तरह खा सकते हैं। इसमें आयरन की मात्रा और विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये यहाँ पे ऐसे मैंने करौंदे ले लिए, एकदम फ्रेश करौंदे हैं। इनको क्या करना है, ये ऊपर से और ये नीचे से कट करके बीच से आधा करके इसका बीज निकालना है पहले अंदर से। तो बताती हूँ मैं आपको कैसे निकालना है। ये ऊपर नीचे का देखिए, कट करके ऐसे बीज निकाल लेने, इसमें बीज है अभी, इसमें से निकाल लिया है। तो इस तरीके से ऐसे चाकू इसमें डाल करके ये बीज निकाल लेना, ये देखिए निकल गया। ऐसे ही सारे करौंदे तैयार कर लेते हैं। करौंदे मैंने 20 से आधे करके इनको और इनका बीज निकाल करके ये तैयार कर लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप करौंदा लिया है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चाहे उतना ले सकते हैं। फिर ये क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बने हुए अचार का टेस्ट बहुत ही अलग होता है, और मैं यहाँ पर इंस्टेंट अचार बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसको धूप में रख के भी आम की तरह अचार बना सकते हैं, पर यहाँ पे इंस्टेंट बना रही हूँ ताकि आप इसको फटाफट खा सके। अब इतनी मेहनत की है तो फटाफट तो खानी चाहिए ना। चलिए, जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा हमारा, तो हम इसमें ये कटा हुआ साथ ही हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार लाल मिर्च। मिर्च थोड़ी सी इसमें ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक तो ये खट्टा बहुत है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें मिर्च चाहिए, और फिर जो अचार वगैरह जितने भी होते हैं वो थोड़े से तीखे ही पसंद आते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे उसमें, 1 टेबल स्पून धनिया, 1/4 टेबल स्पून यानी कि 2 टेबल स्पून धनिया मैंने यहाँ पे डाला। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक करके थोड़ी देर पकाएंगे। जरा इसको के चला लेते हैं। और फिर से 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। बस ये हमारे करौंदे पक चुके हैं और हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये दीजिए, 2 मिनट में आपका करौंदे का स्वादिष्ट अचार बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्रिज में 10 दिन यूज कर सकते हैं। ये आपके खाने का स्वाद बढ़ाने वाला है और बहुत ही मजेदार है। धन्यवाद। आपको आज की मेरी रेसिपी मुझे जरूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए जरूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर।